एवरीवन, माय नेम इज आयुषी और मैं हूँ सीनियर मेंटोर इन लीगल एज। तो आप सबका वेलकम है ऑन द ऑसमस्ट चैनल फॉर क्लैट। यस, और क्लैट बहुत पास आ गया है, तो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो क्लैट देने वाले हैं, एलिट देने वाले हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सब अच्छा ही करोगे। डोंट वरी, एंशियस मत होना, इतना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। कोई बात नहीं, मॉक स्कोर्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं स्टिल, तो ये मत सोचना कि मैं क्लैट नहीं दूं, क्लैट तो देना ही है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं आज का 100 का शोडाउन में। आई एम हियर विथ अ न्यू एपिसोड एंड अ न्यू कॉलेज, दैट इज HNLU रायपुर। सो HNLU रायपुर के बारे में आज हम जानेंगे, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैंपस कैसा है, उसका प्लेसमेंट कैसा है, कट ऑफ कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यस, सो दिस इज अ कैंपस जो अगेन कैपिटल में ही बेस्ड है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ऑल्सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2003। एडमिशन प्रोसेस इज द सिमिलर जो बाकी सारे कॉलेज इसमें था, सेम आप क्लैट के थ्रू इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। आपके 12th में 45% होने चाहिए फॉर जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए, 40% होना चाहिए फॉर एससी एंड एसटी। ऑल्सो देर इज नो अपर लिमिट, एज लिमिट। ऑल्सो कोर्सेज जो ऑफर कर रहा है ये कॉलेज, यस, अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। बीएलएलबी के अलावा इट्स नॉट ऑफरिंग अ लॉट, बट यस, हमारे जो एलएलएम है वहां पे अच्छे खासे कोर्सेज ऑफर कर रहा है। कॉर्पोरेट लॉ दे रहा है, टेक्नोलॉजी लॉ दे रहा है और आईपीआर भी दे रहा है। ऑल्सो पीएचडी भी कराता है ये कॉलेज। तो यस, अगर यू वॉन्ट टू परस्यू आगे कि मेरे को एलएलएम कहाँ से करना चाहिए, तो यस, HNLU इज वन ऑफ द कॉलेजेस जो एलएलएम भी प्रोवाइड करवाता है। पीएचडी कहाँ से करना चाहिए, सो यस, अगेन HNLU इज वन ऑफ द कैंपसेस। नेक्स्ट, इसका जो मेन अट्रैक्शन है अबाउट द कॉलेज इज इसका एकेडमिक बिल्डिंग जो पार्लियामेंट बिल्डिंग से सिमिलर है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग आपने देखी है, इट्स राउंड, सो इट्स सिमिलर टू दैट। अभी हम एक और देखेंगे विच इज अंदर से थोड़ा सा व्यू, सो आगे वी हैव अ पिक्चर ऑफ दैट इज वेल। ऑल्सो दे हैव स्मार्ट क्लासरूम्स, अगेन अ गुड थिंग। ऑडिटोरियम ऑल्सो दे हैव मूड कोर्ट हॉल्स, दे हैव कंप्यूटर लैब्स, दे हैव इंग्लिश लैब्स एज इंग्लिश लैंग्वेज लैब्स एज वेल। ऑल्सो नए एकेडमिक ब्लॉक्स बन रहे हैं विच आर अंडर, बनने वाले हैं नए नए। ऑल्सो इट्स अ वायरलेस एक्सेस, पूरे कैंपस में यू विल गेट द इंटरनेट विच इज अ गुड थिंग। नेक्स्ट, यस, मैंने आपको बोला था वील सी द पिक्चर, सो दिस इज द पिक्चर अंदर से। दिस इज बाहर से, अगेन दिस इज द लाइब्रेरी का व्यू अंदर से। सो दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ कॉलेज, यू कैन सी। आप अगर इस कॉलेज जाते हैं तो आपको देन यू विल बी एबल टू सी इन साइड से भी, ठीक है? ओके, सो इनका इनके पास अच्छे खासे हॉस्टल्स हैं, दे हैव अ गुड कैपेसिटी ऑफ हॉस्टल्स एज वेल। दे हैव 629 रूम्स। ऑल्सो इनके पास चार सेपरेट बिल्डिंग्स हैं, सब विंग्स हैं बेसिकली फॉर द हॉस्टल्स। ऑल्सो इनके बॉयज हॉस्टल के नाम है कैलाश, विच इज अगेन ब्यूटिफुल केव्स के ऊपर रखा गया है, विच आर देयर इन छत्तीसगढ़। और इनकी गर्ल्स हॉस्टल का नाम है वितास्ता, और ये बहुत अच्छा एक रिवर है, दैट इज नोन एज झीलम, उसके ऊपर ये नाम रखा गया है। सो यस, दीज आर द नेम्स इंस्पायर्ड बाय नेचर, करेक्ट? छत्तीसगढ़ इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर, सो दैट्स वाई दे हैव केप्ट द नेम्स लाइक दैट। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज, आर ओ फैसिलिटीज, दे हैव फिल्टर्स, दे हैव हॉट वाटर फैसिलिटीज एज वेल, एयर कंडीशनर, डाइनिंग रूम भी है इनके पास। ऑल्सो दिस इज द हॉस्टल का एक पिक्चर, दिस इज अ डाइनिंग एरिया जहां पे दे ऑल सिट एंड डाइन, दिस इज आउटसाइड ऑफ द डाइनिंग एरिया ऑफकोर्स। सो अब हम जानते हैं कि कुछ अच्छे कोर मैनेजमेंट जो कॉलेज को चलाते हैं। सो यस, हर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस हैव देयर चांसलर्स एज सीजीआई ऑफ द सेम स्टेट। सो ऑल्सो देयर चांसलर इज ऑल्सो द चीफ आर द चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जस्टिस आरूप कुमार गोस्वामी, एंड द वाइस चांसलर अगेन प्रोफेसर डॉक्टर वी सी विवेकानंदन, एंड रजिस्ट्रार एज डॉक्टर उदय शंकर। सो दीज आर द कोर मैनेजमेंट, जब आप कॉलेज जाओगे तो यूल गेट टू नो देम पर्सनली एज वेल। नॉट ऑब्वियसली नॉट द सीजीआई, बट येस वाइस चांसलर एंड रजिस्ट्रार, दे विल बी ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू गाइज, सो यू कैन सी देम।
Next, you can see the ranking as well. They have fifth ranking in India Today 2021. They have the week ranking 2021. They have 10th. They have 16th in Career 360, India's best law school 2021. अब सबसे फन फैक्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस कॉलेज इज दैट HNLU इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन NIRF रैंकिंग. ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो कि NIRF रैंकिंग आपको HNLU की मिलेगी ही नहीं. करेक्ट, सो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दैट. नेक्स्ट वी हैव सीट्स कितनी हैं. सीट्स, इसकी सबसे अच्छी बात है कि सीट्स डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए अलग से हैं. तो अगर आप छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू कि आपको इतनी सारी सीट्स मिलती हैं इफ यू आर देयर एज अ डोमिसाइल स्टूडेंट ऑफ दैट स्टेट. ऑल्सो जो नॉन डोमिसाइल नहीं है उनके लिए भी अच्छी खासा अमाउंट ऑफ नंबर है फॉर द सीट्स. यू कैन सी द नंबर ऑफ सीट्स अनरिजर्व में दे हैव 55, वेयर एज 42 फॉर द डोमिसाइल स्टूडेंट्स. ओबीसी के लिए दे हैव 11 एंड डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 12, 6 फॉर ST, 17 फॉर डोमिसाइल एंड 13 फॉर SC एंड 14 फॉर डोमिसाइल स्टूडेंट्स. टोटल 170 सीट्स दे हैव. करेक्ट, नेक्स्ट लेट्स सी द सुपर न्यूमरी सीट्स दे हैव. हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है अपेरेंटली इस कॉलेज में. तो 5% दे हैव स्पेशली एबल स्टूडेंट्स जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं. 5% वही जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए है. तो अगेन इट्स अ गुड रिजर्वेशन कि आपके डोमिसाइल के अंदर ऑल्सो दे हैव अनदर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अवेलेबल. 3% सीट्स दे हैव डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स DFF विद स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली. एंड 30% सीट्स इज रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. समथिंग विच इज अ वेरी ह्यूज थिंग कि यहाँ पे रिजर्वेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एज वेल. ऑल्सो वी कैन सी द सुपर न्यूमरी नंबर. NRI के लिए दे हैव 8 सीट्स. फॉरन नेशनल्स के लिए दे हैव 2 सीट्स और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए दे हैव 5 सीट्स. स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर के लिए दे हैव कश्मीरी माइग्रेंट्स सॉरी दे हैव 5 सीट्स एंड स्टूडेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर दे हैव 2 सीट्स ओनली. सो दिस इज अगेन अ गुड नंबर. बाकी सारी कॉलेजेस में भी हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है बट यस HNLU में उन्होंने डिफाइन करके दिया हुआ है कि दीज आर द सुपर न्यूमरी सीट्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि फीस कितनी देनी पड़ेगी, आपको कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा. कंपैरेटिवली जब मैं HNLU की फीस देखती हूँ या फिर कंपेयर करा जाए बाकी NLU से तो थोड़ी कम है. ठीक है, बाकी NLU में NLS में दे हैव 2.5, NLIU भोपाल में दे हैव 2.3 समथिंग. सो यस, तो यहाँ पे टोटल फीस थोड़ी कम हो जाती है विच इज अगेन अ गुड थिंग. अच्छा खासा पैसा है बट उतना भी नहीं है खर्च करने के लिए. सो इट्स फाइन. यू कैन सी द डिविजन ऑफ द फीस. 5,000 इज योर एडमिशन फीस. सेमेस्टर ट्यूशन फीस वुड बी 57,500. अदर फीस वुड बी 32,500 विच विल बी इंक्लूडिंग ऑफ एवरीथिंग लाइक आपका स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आपका कंप्यूटर लैब एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन. रिफंडेबल सिक्योरिटी आपकी 25,000 है. टोटल फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर आई हैव ऑलरेडी सेड दैट 1,20,000 विच इज अ नॉर्मल अमाउंट, डिसेंट अमाउंट. बट यस NRI एंड NRI स्पॉन्सर्ड के लिए दे हैव $3,500 प्लस ₹62,500. तो दिस इज द टोटल अमाउंट विच NRI स्टूडेंट्स हैव टू पे. नेक्स्ट व्हाट ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दे हैव. दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस दे कंडक्ट. दे हैव द स्पेशल थिंग जो उन लोग कंडक्ट कराते हैं दैट इज जस्टिस हिदायतुल्ला मेमोरियल नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन ऑन एनुअल बेसिस विच इज समथिंग रिनाउंड जो इनके ही कॉलेज के ऊपर रखा गया है. HNLU का फुल फॉर्म इज हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. यस, सो दिस इज वॉट देयर मेन फोकस लाइज कि यस अगर आप कभी भी दूसरे कॉलेज में भी होते हो, अगर आप कभी GNLU में हो तो यस यू कैन गो एंड पार्टिसिपेट इन द सेम मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. वेर एज अगर आप HNLU में भी हो तो यस यू विल बी होस्टिंग द इवेंट. करेक्ट, they have won many national moot court competitions as well. They were winner of west and south asians round on 19th john h jackson moot 2021. So yes, they have they have a good participation in moot courts. They have a good participation in other activities as well. They have a colossal named
pressed as well that they organize. They have legal aid clinic as well. They have a good moot court halls as well. So yes, they are good in participating extracurricular activities. So अगर आप जाते हो इस कॉलेज में तो आपका अच्छा खासा कल्चर मिलने वाला है फॉर मूट्स. नेक्स्ट दैट वी कैन सी, यस यू कैन सी द कैंपस अंदर से, यू कैन सी द लाइब्रेरी अंदर से, यू कैन सी द ऑडिटोरियम अंदर से, यू कैन सी द क्लासरूम्स, द लैब्स, यस ऑल दीज थिंग्स. यस, तो कट ऑफ कितना चाहिए पड़ेगा इस कॉलेज के अंदर जाने के लिए कि मैम मेरे इतने मार्क्स आने चाहिए तो मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा. तो दीज आर द कट ऑफ्स. 2020 में यू ओनली नीड 79.75 एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट टू गेट इन टू द कॉलेज, वेर एज आपकी रैंक वो शुड बी 757. वही 2021 में यू शुड रैंक बी अ रैंकर ऑफ 765 एंड 86 मार्क्स वॉज द कट ऑफ. वहीं एस सी के लिए यू कैन सी 53.5, 47.75, 47 फॉर एस टी, 50.5 फॉर एस टी इन 2021. ओबीसी का तब नहीं था, देर वॉज नो ओबीसी फॉर ओबीसी रिजर्वेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू गेट इन टू दिस कॉलेज, और ना ही ईडब्ल्यू एस था. स्टिल देर इज नो ईडब्ल्यू एस जो बाकी सारे कॉलेजेस में है, बट स्टिल यहाँ पे एच एन एल यू में ईडब्ल्यू एस कैटेगरी नहीं है, लेकिन ओबीसी दे हैव अनाउंस्ड. यस, वही 2022 में वी वर नॉट एबल टू गेट द स्कोर, सो मेरिट लिस्ट नहीं आई थी इन 2022, तो स्कोर्स तो नहीं है, बट येस रैंक्स वी हैव, दैट इज 837 इन 2022 एंड रैंक फॉर एस सी शुड बी 8932. रैंक फॉर एस टी इज 13374, वेर एज फॉर ओबीसी इट्स 1980. ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल कट ऑफ जो आपको होने चाहिए. रैंक आपकी समवेयर अराउंड इधर लाई करनी चाहिए टू गेट इन टू एच एन एल यू. ओके, सो दीज आर सम फेमस फेमस एलिमनाइज, दैट इज देवांशु भदौरिया, भारत भदौरिया एंड मेनी मोर. यू कैन सी इफ यू गेट इन टू एच एन एल यू, यू कैन बिकम समवन लाइक देम, समवन बेटर देन देम आई बिलीव, करेक्ट? सो यस यू कैन सी देम एज योर एलिमनाइज. ओके, सो एच एन एल यू हैज क्या इनका प्लेसमेंट रहा है? तो एच एन एल यू ने अपनी एन आई आर एफ रैंकिंग निकाली नहीं है. सो प्लेसमेंट्स के बारे में वी कैन ऑल से कि यस दे गिव गुड प्लेसमेंट्स, दे गिव प्लेसमेंट्स टू द फर्स्ट टायर फर्म्स एज वेल, सेकेंड टायर फर्म्स एज वेल एंड थर्ड टायर फर्म एज वेल. सो दे आर गुड विद देयर प्लेसमेंट्स. अच्छे खासे रिक्रूटमेंट प्रोग्राम भी कराते हैं विद द स्टूडेंट काउंसिल्स जो भी होते हैं. यस, ओके, वॉट एल्स अबाउट द कॉलेज? दे हैव अ मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट्स विच इज आई बिलीव मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस ऑल्सो डज हैव. इनका एक स्पेशल फीचर है कि दे गिव मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम्स एज वेल. मेडिकल सेंटर्स है कॉलेज के अंदर ही, दो फंक्शनल एम्बुलेंसेज भी हैं कॉलेज के अंदर ही. इंश्योरेंस कवर करवाता है स्टूडेंट्स के लिए फॉर मेडिकल कॉम्पोनेंट, जो भी फी पे वो करते हैं उसी के अंदर दे इंक्लूड द मेडिकल इंश्योरेंस. दे ऑल्सो गिव लास्ट टू ईयर्स एन ऑनलाइन काउंसलिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन काउंसलिंग फैसिलिटी भी दे रहा है वो लास्ट दो ईयर से. माई दोस्त करके एजेंसी दे हैव हॉस्टल्स में ही नाइट कैंटीन. ऑल्सो दे फॉर केटरिंग टू द डेली नीड्स ऑफ द स्टूडेंट, द यूनिवर्सिटी हाउसेज हैव मल्टी नीड कॉम्प्लेक्सेस है उनके पास. ओके, दिस सेंटर ऑल्सो हैव मेनी शॉप्स डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी. अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली आपको वहीं सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको एम्बुलेंस मिल जाएगी, आपको शॉप्स मिल जाएंगी, आपको नाइट कैंटीन भी मिल जाएंगी, आपको एक काउंसलर भी मिल जाएगा. अगर आपको कभी लगता है कि यू गेट डीमोटिवेटेड, यू गेट एंशियस, यू गेट डिप्रेस्ड, सैड, सो यू हैव अ काउंसलर एज वेल. नेक्स्ट, यस, वॉट आर द एफएक्यूज अबाउट, जो नॉर्मली आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आते ही होंगे. सो यस, फर्स्ट ईयर इन एच एन एल यू रायपुर, अच्छा खासा सिस्टम है उनका फर्स्ट ईयर के लिए भी. दे कैन गो अहेड एंड पार्टिसिपेट इन मूट्स एज वेल. उनका अच्छा है, दे हैव एवरीथिंग गुड अबाउट फर्स्ट ईयर्स, बी फिफ्थ ईयर ऑल्सो. दे स्टूडेंट स्पेंड रियली गुड टाइम इन एच एन एल यू. अच्छा खासा कोर्स भी है इनका, तो यस. डू दे प्रोवाइड ओबीसी रिजर्वेशन? येट, अभी अभी स्टार्ट किया है आई बिलीव इन टू, अभी हमने देखा 2022 के कट ऑफ में, यस दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग फॉर ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन. तो यस दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2022.
पहले 2 साल में नहीं था, इन 2022 एंड 2021 में इतना नहीं था जितना अभी है। हॉस्टल कंपलसरी, यस, अगर आप हॉस्टल में ही रहना चाहते हैं, अगर आप बाहर से हैं तो ऑब्वियसली आपको हॉस्टल कंपलसरी होता ही है। अगर आप वहीं के रेसिडेंट हैं तो यू कैन ऑप्ट आउट कि आपको हॉस्टल में रहना है या बाहर रहना है। इज इट वर्थ एक्सपेक्टिंग अ ब्राइट फ्यूचर फ्रॉम HNLU रायपुर? ट्रस्ट मी, इट इज, इट्स अ रियली नाइस कॉलेज। अगर आप HNLU जाते हो तो ये मत सोचना कि थोड़ा कम रैंकिंग का है, बहुत छोटी रैंकिंग का कॉलेज है, हमको नहीं जाना है HNLU रायपुर, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इफ यू गेट HNLU रायपुर, यू शुड गो देयर। यस, अच्छा खासा स्टूडेंट्स आर डूइंग फ्रॉम देयर। यू कैन सी, हैव ऑलरेडी सीन द एलुमनाइज ऑल्सो फ्रॉम क्लैट। इज इट वर्थ टू टेक एडमिशन थ्रू NRI कोटा? यस, यू कैन टेक NRI कोटा एज वेल। इतना ज्यादा नहीं स्पेंड करना है, ओनली $3,500 ही स्पेंड करना है आपको, विच इज लेस जो बाकी NLS में है। NLUs में ऑलरेडी देर आर 10,000 इन NLIU, देर इज मच मोर इन NLS एज वेल। तो इतना ज्यादा आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा एज एन थ्रू एन NRI कोटा। तो यस, इट्स वर्थ गेटिंग इन टू द कॉलेज थ्रू एन NRI कोटा। ओके, सो कॉन्टैक्ट, इफ यू रियली वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट द कॉलेज, दीज आर द डिटेल्स टू कॉन्टैक्ट कॉलेज। दिस इज अ वेबसाइट लिंक, दिस इज द नंबर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट, दिस इज अ रजिस्ट्रार का ईमेल आईडी, दिस इज अ इन्फो इफ यू रियली वॉन्ट सम इन्फो फ्रॉम HNLU। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई रियली होप दिस सेशन वॉज रियली इंटरैक्टिव फॉर यू गाइज। इन द एंड आई रियली वॉन्ट टू से कि राइट नाउ एज अ मेंटोर, वॉट आई रियली वॉन्ट टू यू नो से टू द स्टूडेंट्स जो क्लैट लिखने वाले हैं या जो क्लैट देने वाले हैं या जो ईलिट देने वाले हैं, सब लोग अभी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। जिनसे भी मेरी बात हो रही है, दे आर समवेयर अराउंड, मैम हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वी आर स्टैगनेंट मैम, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। सो सबके लिए मत घबराओ यार, एग्जाम ही है, होना होगा, होगा ही। अगर आपने मेहनत करी है तो होगा ही, ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि अगर आपने मेहनत करी है तो होगा ही। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, एग्जाम देने जरूर जाना। काफी सारे लोग ऑप्ट आउट भी करें कि एग्जाम नहीं देते, नेक्स्ट ईयर देंगे। नहीं, एग्जाम तो देना ही है, इतना लॉन्ग रन में मेहनत करी है तो यार एंड में नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए एंड में तो बिल्कुल ही एग्जाम को नहीं छोड़ेंगे। और हमको कोई ना कोई सॉरी NLU तो मिलेगा ही, डोंट वरी अबाउट द NLUs, मिल जाएगा यार, चिल करो, सबको मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, और मेरी तरफ से बेस्टेस्ट विशेस टू ईच एंड एवरीवन। चलो, बाय बाय, हैव अ गुड डे।